मेरा नाम गुलाम ज़ारा है और मैं पिछले 9 साल से एक छोटा सा ढाबा चला रही थी। फिर उसके बाद एक बाइक पे आ गई और बाइक पे मैं पिक एंड ड्रॉप दे रही थी। एक बच्चा था और मेरी अपनी बच्ची भी थी। असल में बाइक लेने की वजह तो ये थी कि ज़रिया आमदनी के लिए मैंने नहीं ली थी। मेरी बच्ची जब सुबह स्कूल जाती थी तो लोगों को कज़न के साथ, बाप के साथ, चचा के साथ आते जाते देखती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। ज़िंदा है लेकिन मेरे साथ नहीं है। डिवोर्स मुझे उसने दी नहीं, ना मैंने लिए। तो जब बच्ची माशाल्लाह जैसे जैसे बड़ी होती चली गई तो उसने एक दो दफ़ा मुझसे ये सवाल किया कि माँ, मेरा बाप कब आएगा जो मैं उसके साथ कभी स्कूल आऊँगी और जाऊँगी। तो मेरा दिल बहुत कटा। फिर मैंने सोचा कि अल्लाह करेगा। मैंने फिर उसको कहा कि दुआ करो अल्लाह करे कि हमें अल्लाह बाइक दे दे। इतना मतलब है कि एक माँ होने के नाते से मेरे अंदर एक अजब सा जुनून आ गया था कि मैंने सिर्फ एक दिन में बाइक सीखी थी। अगले दिन जब मैं स्कूल की टीचरों दरवाज़े के पास जाके खड़ी हुई तो टीचरें देख के हैरान हो गई और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि आप आज एक बाप बन गई हो। रक्शे में कुछ अच्छे भी मिले, कुछ बुरे भी मिले, क्योंकि जो मामले अल्लाह के हवाले कर दिए जाए ना, फिर इंसानों के इंसाफ की ज़रूरत ही नहीं है। वो मैं रब से इंसाफ नहीं, उसका करम मांगती हूँ। जी, मेरी बच्ची 6th क्लास में माशाल्लाह पढ़ रही है और मेरी जो ज़ाती ख्वाहिश है कि वो एक अच्छी वकील बने या एक डॉक्टर बने। और अगर आपने मेहनत करनी है तो कुछ लोग घर में बैठ के कर रही हैं, कुछ को घर में मजदूरी नहीं मिलती तो बाहर निकलना पड़ता है। तो अगर आप मेरी तरह हिम्मत करना चाहो तो कर सकते हो। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बलूचिस्तान की आवाम मर्द गैरतमंद हैं, क्योंकि मुझे तकरीबन 8-9 माह हो गए रक्शे में बाइक पे, आज तक कभी किसी ने तंग नहीं किया, अप्रिशिएट किया। जैसे जैसे मैं कदम बढ़ाती रही हूँ मुझे हर कदम पे जो है हौसला हिम्मत जज्बा देते रहे लोग। और अब मैं गाड़ी पर हूँ। मैं हूँ ज़ारा, पाकिस्तान की सिर्फ आहन।